प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। तो आइए इसके बारे में हम पहला ग्रंथ है उसके 13 अध्याय पहले पद से हम इसको पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणियाँ कर सकूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ या अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह होता है सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएँ हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रिय भाई बहन, सबसे बड़ा प्रेम है, हमें प्रेम करना है। प्रेम, जैसे कि हमने देखा कि प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम धीरजवंत है। क्या हम जब अपने भाइयों बहनों से बातें करते हैं, रिश्ते में रहते हैं या और किसी से भी जब हम रिश्ते में रहते हैं तो क्या हम प्रेम कर पाते हैं, क्या हम उसमें धीरज धर पाते हैं? कई बार चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन हम उतावले हो जाते हैं कि हमें करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, जो मैंने कहा वो होना ही चाहिए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम सिखाता है कि आपको धीरजवंत होना है। पहले लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। इस तरीके का हमारा प्रेम ना हो कि हम बस बड़े बड़े बातें बोले लेकिन दिखाओ और करने के लिए कुछ भी ना हो। जब तक हम प्रेम करके नहीं दिखाते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें प्रेम को दिखाना ही है क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। हमें प्रेम करना है ठनठनाते हुए पीतल के जैसे नहीं करना है, लेकिन जैसा परमेश्वर प्रेम करता है, जैसा उसने अपना प्रेम करके हमें दिखाया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रिय भाई बहन, ऐसा प्रेम करने के लिए बाइबल हमें सिखाता है। जैसा परमेश्वर ने खुद प्रेम किया है, उसने सबसे प्रेम किया है। ऐसा कोई खास जाति नहीं है कि बस खास जाति के लिए ही, लेकिन वो पूरे मनुष्य जाति से, पूरे संसार से उसने प्रेम किया है और पूरे संसार के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। जैसे वचन बताता है कि भविष्यवाणियाँ मिट जाएंगी, जो हम कहते हैं वो सारी चीज़ें मिट सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो नहीं मिट सकता है। वो अनंत है, अनंत है परमेश्वर, और उसका प्रेम कभी मिटेगा नहीं। आमीन।